भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है। इसका मुख्य आधार कार्यकर्ता है, विचार है और ये पार्टी 365 दिन काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का और अधिक विस्तार हो इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों की रचना करती रहती है और उस पर काम करती है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने, इस दृष्टि से 144 ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किया है जहां पिछले बार चुनाव नहीं हुए। इन सब स्थानों पर कोई न कोई प्रमुख व्यक्ति जाए, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के कार्यक्रमों में, क्रियान्वयन में जो सहयोग हो सकता है वो उसे करना चाहिए, ऐसा मैंडेट पार्टी ने दिया। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत मेरा रायबरेली में आना हुआ है, लेकिन रायबरेली नहीं, दो तीन दिन पहले मैं अम्बेडकर नगर में भी था, उसके बाद श्रावस्ती भी जाऊंगा, लालगंज भी जाऊंगा। तो देश में सरकार बनाना है, पहले से अधिक सीटें लेकर बनाना है, देश में रायबरेली लोकसभा है इसलिए उसको भी जीतना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील। स्वाभाविक रूप से जो क्षेत्र आज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है वो आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी में विजय हासिल करे, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। उन सरकारों ने विकास के लिए कोई बहुत काम नहीं किया और बुनियादी विकास कैसे होगा इसका ज्ञान भी कांग्रेस के नेतृत्व को रहा नहीं, इसके कारण देश को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आए, उत्तर प्रदेश की बहनों का सशक्तिकरण हो, उनको आजीविका प्राप्त हो, किसान को उसकी फसलों का वाजिब दाम मिले और उत्तर प्रदेश की कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील हो और उत्तर प्रदेश देश के नवनिर्माण में बढ़ चढ़ के योगदान कर सके, इस दृष्टि से अनेक योजनाओं का सृजन किया गया है। वो योजनाएं नीचे तक आम आदमी तक पहुंच रही हैं और उसका प्रतिफल भी आज दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर, जन कल्याण के आधार पर चुनाव में जाने वाला दल है और इसलिए विकास और जन कल्याण के जो हमारी योजनाएं हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर और गाँव गाँव जा रहे हैं। उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी विजय पाने में सफल होगी। सारा देश इस बात को भलीभांति जानता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के कद के सामने कोई भी चेहरा फीका ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस द्रुत गति के साथ देश को ऊंचाइयां प्रदान करना चाहते हैं उसके कारण अनेक दलों को ऐसा लगने लगा है कि अगर मोदी जी इसी प्रकार से काम करते रहे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसका अपना संविधान है, उसकी अपनी प्रक्रिया है, उसकी अपनी राज्य इकाइयाँ हैं, जिला इकाइयाँ हैं, केंद्रीय चुनाव समिति है,
भारतीय जनता पार्टी जब कोई कैंडिडेट तय करती है तो प्रक्रिया से होकर गुजरता है, और दूसरी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रही हैं, सवेरे प्रत्याशी निकालो, खड़ा कर दो, शाम को नाराजगी हो गई तो उसको उठा के फिर झोले में बंद कर दो, ऐसा भाजपा में नहीं होता।